हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलो बढ़िया है, बढ़िया है। तो क्लास 6 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सिंप्लीफाई, ध्यान से देखिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और 2 मिनट वीडियो देख करके वीडियो पूरा फाइनल, सबका हिसाब होगा स्कूल खोलने के बाद। मोबाइल मंगवाएंगे, देखेंगे कितना देखा है। चलो देखते हैं सिंप्लीफाई। यहाँ देखिए, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ भी चिन्ह का खेल है, कहीं प्लस प्लस, कहीं प्लस माइनस। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ए है वो देखो, क्वेश्चन नंबर ए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर ए है -18 प्लस -12 -1। ध्यान दीजिए, ब्रैकेट को तोड़ेंगे पहले। सबसे पहला काम ब्रैकेट को तोड़ना है। ब्रैकेट को तोड़ेंगे, यहाँ देखो ये -18 और प्लस और माइनस, ये ब्रैकेट है। जब भी ब्रैकेट टूटेगा प्लस और माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखो, ये दोनों माइनस है तो एक साथ जुटेगा, 18 12 -30। अब कहोगे कि यहाँ माइनस माइनस आपने प्लस लिखा, यहाँ माइनस 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 लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम जोड़ रहे हैं और यहाँ ब्रैकेट था तो गुणा किए थे। गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, और जोड़ेंगे तो माइनस ही होगा। और ये +1, ये देखो अब एक माइनस और एक प्लस। हमने बताया कि एक माइनस हो एक प्लस हो तो हमेशा उसको सबट्रैक्ट करते हैं। ये ज़्यादा है तो इसका चिन्ह माइनस है, तो -30 में से 1 गया 29। क्वेश्चन नंबर बी को देखो, यहाँ -65 -16 +65। ये ध्यान रखो, ये देखो -65 और यहाँ देखो माइनस और माइनस, +16 और +65। देखो प्लस वाले को चाहो तो इधर लिख दो पहले, देखो इधर लिख दो 16 +65 और -65। ये देखो -65 से +65 कैंसिल हो गया और ये 16 जो है बच गया। और नहीं तो अगर ऐसे नहीं कर सकते थे, देखो ये तो ऐसे भी हो गया, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर दो, छोड़ दो, इसको मत कैंसिल करो, इसको हटा दो। देखो इन दोनों को जोड़ दो, 6 5 11 हुआ, और 6 और 1 7 और 1 8 हुआ, -65। सबट्रैक्ट कर दो, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 6 गया 1, एक ही बात हुआ। वहाँ चाहे कैंसिल करो या जोड़ करके कटाओ। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, 85 माइनस, क्वेश्चन नंबर सी है 85 माइनस -16 -16 +65 बी। कौन क्वेश्चन बता दिया गया जी? ओ ये देखो, एक कुछ इसमें का लिखा गया, कुछ इधर का लिखा गया। देखो ये कुछ क्वेश्चन इसमें से लिख दिए, यहाँ का लिख दिए, इसमें उठा के यहाँ लिख दिए। चलो इसको हटाते हैं यहाँ, फिर दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखो, क्वेश्चन नंबर बी है -65 और +33 और -80। प्लस वाले को पहले लिखते हैं, 33 -65 -80। ये देखो अकेले है तो इसको लिखे 33, ये दोनों जोड़ लो, और माइनस, दोनों माइनस, और ये हुआ 5 और 6 और 14। ये देखो एक प्लस है एक माइनस है तो हमेशा घटेगा। ये ज़्यादा है तो इसका चिन्ह माइनस, और 5 में से 3 गया 2, 4 में से 3 गया 1 और 1 -112। एक क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, -85 -16 और +65। देखो ये 85 हुआ, माइनस और माइनस प्लस हुआ, और ये 16 और +65। देखो तीनों प्लस है, जोड़ दो, 5 5 10 6 16 हुआ, 6 1 7 8 15 और 1 16, 166, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर डी को यहाँ देखो, 23 प्लस -76 -43
ब्रैकेट को तोड़ो, ये हुआ 23 प्लस माइनस माइनस 76 और माइनस 43। देखो ये देखो प्लस वाला अकेला है तो इसको लिखो 23, ये दोनों माइनस है तो ये दोनों एक साथ जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस होगा। 6 और 3 9, 4 7 11, ये देखो एक प्लस एक माइनस है तो घट जाएगा, ये ज़्यादा है तो इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस 9 में से 3 गया 6, माइनस है तो घटाएंगे, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 10 में से 2 गया माइनस 86। ये क्वेश्चन नंबर डी को हम यहीं सॉल्व करते हैं। ये देखो ये ब्रैकेट तोड़ो, ये 64 हो गया, यहीं सॉल्व कर देते हैं, ये प्लस और ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ये हुआ माइनस 20 और ये माइनस माइनस प्लस 30, ये बड़ा वाला ब्रैकेट और माइनस क्या हो गया प्लस 6। देखो ये हो गया 64, एक और प्लस, एक देखो एक माइनस और एक प्लस है, यहाँ देखो 30 ज़्यादा है, 30 में से 20 गया 10 बचा और प्लस 6, तीनों प्लस आ गया जोड़ दो 64, 64 और 10 74 और 6 कितना हो गया 80। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ तो जो है आसान है, आप देख लीजिएगा, थोड़ा हम आपको हिंट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो फोर है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है फोर है, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, आप उसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद से तब आप उसको फिलअप करिएगा। जैसे देखिए माइनस फोर प्लस फोर है, यहाँ देखो माइनस फोर प्लस फोर और यहाँ बॉक्स दिया हो जिसमें फिलअप करना है और 8 प्लस माइनस 8, 8 प्लस यहाँ माइनस 8 कह रहा है कि इधर भरेंगे, आप इसको रफ में सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखो माइनस 4 और 4 दोनों जीरो हो गया और यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस माइनस माइनस 8 ये भी जो है क्या हो गया, 8 में से 8 गया जीरो हो गया, इसका मतलब ये दोनों क्या है बराबर है, तो आप बराबर का साइन लिखिए क्योंकि दोनों जीरो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन है इफ स्टार इज एन ऑपरेशन बिटवीन ए एंड बी सच दैट, ए स्टार बी मीन्स ए प्लस माइनस बी, देन सिंप्लीफाई करके, जो स्टार है वह एक ऑपरेशन है, मतलब ऑपरेशन का मतलब चार ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस इनटू और डिवीजन, ये एक ऑपरेशन है जिसका मतलब करके ये और बी का मतलब, ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी, तो अगर ये तो इसको अप्लाई करके इसका वैल्यू निकालिए, ये देखो 18 है तो 18, और देखो स्टार का मतलब क्या है प्लस है तो प्लस, और बी दिया हुआ माइनस में तो माइनस में है ही है, ये माइनस 8, ये देखो 18 और प्लस माइनस माइनस 8 कितना हो जाएगा, 18 में से 8 गया 10 हो गया, ये बी को देखो, ये देखो माइनस 8 और स्टार का मतलब क्या बोलो, स्टार का मतलब प्लस, और ये देखो 4 है ना लेकिन यहाँ माइनस लगा होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखे हाँ माइनस 4, तो ये देखो माइनस 8 और प्लस माइनस माइनस 4, 8 दोनों देखो माइनस है, हमने बताया कि दोनों माइनस हो तो ऐड कर देते हैं, माइनस 8 और माइनस 4 माइनस 12, ये सी देखो 10 और स्टार का मतलब यहाँ देखो प्लस है, देखो जहाँ स्टार है वहाँ प्लस लिखा है और ये माइनस तो है ही है, ये माइनस 6 हो गया, ये देखो 10 माइनस 6, एक प्लस एक माइनस घट जाएगा 4 बचा, ये देखो 83 और स्टार का मतलब प्लस और ये बी, ये देखो माइनस में होना चाहिए तो माइनस 8, ये 83 प्लस माइनस माइनस 8, 83 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 75। तो उम्मीद है समझे होंगे, चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।